और ये भीड़ ग्लास ब्रिज देखने वालों की, इसमें हम भी शामिल हैं। इस गर्मी में हम जैसे क्रेजी पीपल की कमी नहीं है। छुट्टी का गुड फ्राइडे का उपयोग किया जा रहा है। गुड फ्राइडे में हम लोग का फ्राइडे उतना गुड नहीं हो रहा है। हेलो एवरीवन, the purpose of this video is that recently I have visited Glass Bridge at Rajgir. Beautiful, wonderful tourist attraction in the years to come, in the days to come for the Rajgir, for Rajgir of course. My the experience was the purpose of this video is so that what I experienced, the good experience should be captured and the bad experience should be avoided. That is the main purpose. कि जब I was wondering, we were wondering when we were planning to go to a bridge in this summer, it is almost 30+35 degree centigrade temperature is running on, and this is not the right time to visit Rajgir because it's very hot there. तो we thought कि हम ही लोग एक crazy people हैं जो इस गर्मी में राजगीर जा रहे हैं, और वहाँ पर भीड़ हमें नहीं मिलेगी और हम लोग मज़े से ब्रिज का आनंद लेंगे और बहुत गर्मी होगी, जल्दी जल्दी घूम करके आ जाएंगे। तो हम लोग एट 7 वी लेफ्ट फ्रॉम पटना टू राजगीर, एंड एट अराउंड 10 वी रीच्ड देयर, और वहाँ पर करीब आधा किलोमीटर, करीब 1 किलोमीटर बिफोर ही हम लोग को रोका जाने लगा कि नहीं, द ब्रिज इज़ क्लोज्ड। एक्चुअली इट वॉज द इंस्ट्रक्शन के इट वॉज ऑलरेडी वेरी क्राउडेड, तो अब बाकी टूरिस्ट को नहीं जाना है, बाकी अब अगले दिन के लिए बोला जा रहा है। एंड वी इतने दूर से हम लोग गए थे, तो वी प्लान कि ना बाबा, अब तो हम लोग घूम करके ही आए, किसी तरह कोशिश करते हैं। तो कोशिश करके खैर हम लोग गए जहाँ पर टिकटिंग काउंटर है, वहाँ पर पहुँचे, और कुछ लोग वापस भी लौट रहे थे। बहुत डिसअपॉइंटमेंट लग रहा था कि हम लोग इतनी गर्मी में और ऐसे टाइम पर गए हैं कि लौटना ना पड़ जाए, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग वापस भी लौट रहे थे। लेकिन हम लोग को लेकिन नहीं, जब आए हैं तो घूम के ही जाए। और जब हम लोग वहाँ पर पहुँचे टिकटिंग काउंटर पर, लग रहा था कि इस पैंडमिक टाइम में, इस कोरोना टाइम में और गर्मी में राजगीर देखने कौन जाएगा, ग्लास ब्रिज देखने कौन जाएगा, हम जैसे कुछ क्रेजी पीपल। लेकिन देर इज़ नो डर्थ ऑफ क्रेजी पीपल, कमी नहीं है क्रेजी पीपल की। और वहाँ पर जो लंबी लाइन एंड द एक्सपीरियंस, इट वॉज नॉट वी एक्सपेक्टेड, कि थोड़ा सा मैनेजमेंट, काश ऑनलाइन टिकटिंग सिस्टम हो जाता और पहले से ही टूरिस्ट को पता रहता कि इतने टिकट के बाद अब जाने को नहीं मिलेगा, तो हम लोग का बात कुछ और होता। हम जो भी इतने सारे लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनहैप्पी ऑफ द मैनेजमेंट वहाँ पर, क्योंकि ये नया है। इट वॉज इनॉग्रेटेड ऑन परहैप्स 26 एंड इट वॉज ओपन फॉर 27th, इट वॉज ओपन फॉर पब्लिक ऑन 27th मार्च, 27th मार्च को, जैसा उन लोग बोल रहे थे। मैंने बहुत सारा इसके ऊपर पढ़ा। जनरली आई गो थ्रू, वेन एवर आई विजिट अ प्लेस, मैं उसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी कर लेती हूँ, लेकिन इस बार सोचा कि राजगीर तो है, बगल में ही तो जाना है, तो आई वी डिड नॉट पे मच ऑफ द अटेंशन ऑन वॉट वी विल गेट ओवर देयर। तो
जब वहाँ पर पहुँचे तो क्योंकि नया जगह है, सभी लोग घूमने के लिए नए जगहों, आजकल लोगों में अवेयरनेस आ गया है कि लोग घूमना पसंद कर रहे हैं, घूमने जगह ढूंढते हैं कि कहाँ पर मिल जाए। तो ये गवर्नमेंट का बहुत शानदार इनिशिएटिव है कि एक ऐसा प्लेस डेवलप किया गया है बिहार में कि हम लोग जो बिहार के हैं और बाहर बाहर के भी लोग आकर के इस जगह को एंजॉय कर सके। तो वहाँ पर था इतनी भीड़ थी, मोस्ट ऑफ द पीपल वर अनहैप्पी, और क्योंकि वहाँ पर आ गए थे तो घूमना था, तो वी इट टुक 3 आवर्स इन द क्यू, 3 घंटे इस गर्मी में हम लोग लाइन में लगे, एंड वी गॉट द टिकट फॉर जंगल सफारी फर्स्ट 50 रुपीज़। एंड वो जंगल इस गेट से जो ग्लास ब्रिज का लोकेशन है वहाँ पर करीब 8-9 किलोमीटर की दूरी एक ऐसी बस, अच्छी बस थी, लेकिन इट वॉज नॉट सफिशियंट, ओनली 4 बसेज वर प्रोवाइडेड फॉर दीज मैनी टूरिस्ट। ओ माई गॉड, बहुत ज़्यादा भीड़ था और बस के लिए भी फिर अगेन इंतज़ार करना पड़ रहा था। तो खैर हम लोग पहुँचे, बस अच्छी थी और 26 की कैपेसिटी की बस है, एक बार में 26 पीपल कुड बी अकोमोडेटेड देयर। उसके बाद हम लोग गए ग्लास ब्रिज पर। ग्लास ब्रिज के पास जो गए तो वहाँ पर हम लोगों को टिकट लगा 125 रुपीज़ का ग्लास ब्रिज के लिए। अगेन करीब हम लोग को 1 घंटा ग्लास ब्रिज पर जाने के लिए लाइन में लगना पड़ा। गर्मी मतलब इट वॉज नॉट अ गुड एक्सपीरियंस टू व्हेन यू आर जनरली पीपल इज इन आर इन हैप्पी मूड कि भाई घूमने जा रहे हैं तो हमें मज़ा करना है, लेकिन कभी कभी आप ऐसे जगह पर चले जाते हो कि इट बिकम्स कंपल्सन टू एन्जॉय। तो हम लोगों को काफ़ी टाइम के बाद हमारी बारी आई, हमारे साथ एक छोटा बच्चा था, तो वहाँ पर 10 साल से कम उम्र के बच्चों को ग्लास से इस पर अलाउड नहीं है। तो ये है, 10 साल से कम के बच्चों को इंतजार, अगर आप लोग ग्रुप में जा रहे हैं तो 10 साल का बच्चा अगर है आपके पास तो आप लोग को 2 ग्रुप बनाना पड़ेगा कि भाई एक ग्रुप जाए उसके बाद एक बच्चे का देखभाल करने के लिए, व्हाटएवर। तो वहाँ पर जब हम लोग गए तो इट वॉज एक बार में करीब 14-15 पीपल को ही वो लोग छोड़ रहे थे, एंड दैट टू मतलब गर्मी में। इट वॉज क्योंकि ग्लास ब्रिज है, ब्यूटी ख़राब हो जाएगी, तो शूज़ वर नॉट अलाउड, तो वी हैड टू रिमूव आर शूज़ एंड पुट इट वहाँ पर एक क्लॉक रूम टाइप से बना हुआ शूज़ वगैरह रखने के लिए, तो वहाँ पर हम लोगों ने रखा। और यू नो इतना देर इंतज़ार करने के बाद, इतना मशक्क़त करने के बाद, आप लोगों को मैं बता दूँ कि ग्लास ब्रिज पर ओनली यू विल बी एबल टू स्पेंड 2-3 मिनट्स, 2-4 मिनट्स टू द मैक्स, उसके बाद वहाँ से लोग हटा लेते हैं। ऑब्वियसली इतना अच्छा जगह है तो कोशिश तो रहेगी कि सारे लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक वहाँ पर स्पेंड करें, लेकिन ये नहीं पॉसिबल है इतना भीड़ होते हुए, तो दैट इज़ फेयर इनफ कि गवर्नमेंट भी कुछ नहीं कर सकती है, जब इतनी भीड़ हो तो उसको मैनेज करना और मुश्किल होता है। लेकिन गाइडलाइंस शुड बी गिवन, मतलब ऑनलाइन टिकटिंग कर दिया जाता, बता दिया जाता कि भाई इतनी भीड़ होगी, उसके बाद लोग जो दूर से आ रहे हैं वो प्लान ही नहीं करते। लेकिन फिर भी हम लोग की बारी आई और हम लोग ब्रिज पर गए, एंड आई एम टेलिंग यू इट वॉज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस, बहुत अच्छा लग रहा था उस ब्रिज के ऊपर। हम लोग को बहुत कम टाइम, हम लोग इतना लग रहा था कि अभी हम लोग जा रहे, हम लोग को बोला जाएगा कि भाई आप लोग का टाइम अप हो गया, तो हम लोग तो बस 2-3 मिनट बस ब्रिज के ऊपर देखे फटाफट, 1-2 फोटो वगैरह फॉर द फोटो क्रेजी पीपल लाइक मी, उन लोग को पहले से ही सोच के रखना है कि भाई हम लोग फटाफट ऐसे ऐसे क्लिकिंग कर लिया जाएगा क्योंकि बाद में फ़ोटो ही देखेंगे, क्योंकि ब्रिज के ऊपर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलने वाला है स्पेंड करने के लिए। तो हम लोग वहाँ से ब्रिज के ऊपर, गर्मी भी नहीं लग रही थी, बहुत इट वॉज बहुत सुंदर लग रहा था, बहुत इट वॉज अ वेरी यू नो हॉलिस्टिक एक्सपीरियंस, बहुत सुंदर लग रहा था। इट वॉज एक्सपीरियंस इफ यू विल गो एंड देन ओनली यू विल रियलाइज, और वो एक्सपीरियंस और भी अच्छा हो जाता जब आपको 5 घंटे इंतज़ार करना पड़ता और लगता है कि अरे इतना कम टाइम, तो चलो बट वी एक्सपीरियंस्ड इट, और वो भी इनॉग्रेशन के कुछ दिन बाद ही हम लोगों ने, और हो सकता है कि इनॉग्रेशन कुछ ही दिन पहले हुआ है तो पीपल आर नॉट नोइंग द क्या क्या रूल रेगुलेशन है, अवेयरनेस की कमी थी जिसके कारण ग्लास ब्रिज पर जो लोग मीठी अनुभव के लिए गए थे उन लोगों के लिए इट वॉज अ बिट नॉट सो एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, बट यस
द ब्रिज इज वंडरफुल वंडरफुल एंड वंडरफुल. उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल के हैंगिंग ब्रिज के ऊपर गए. हैंगिंग ब्रिज का खासियत यह है कि वो काफ़ी लंबा बना हुआ है. एक तो बहुत लंबा है एंड इट्स ब्यूटिफुल. तो द हैंगिंग स्काई ब्रिज वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस. मुझे उससे ज़्यादा ये वाला, काफ़ी लोगों का यही एक्सपीरियंस था कि वो जो हैंगिंग ब्रिज है उसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था. इट वॉज अ लॉन्ग और टाइम भी बहुत ज़्यादा है. वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन नहीं था कि आप तुरंत उतर जाइए, इट वॉज नॉट लाइक दैट. लेकिन फिर भी वहाँ पर भी सिक्योरिटी वगैरह था और पीपल वर गाइडिंग कि आप कितने देर तक रह सकते हैं, कितने लोग ब्रिज पर एक बार में रह सकते हैं. तो एंड इट वॉज बहुत सुंदर नज़ारा जो था. इट वॉज अ नेचर वॉक. इफ यू लव नेचर यू श्योरली गो और वहाँ पर बहुत आनंद आने वाला है. एंड यू विल क्लिक लवली लवली पिक्स ओवर देयर. बहुत सारे अच्छे अच्छे जगह जहाँ पर मतलब नेचर का बहुत अच्छे अच्छे पिक्चर्स आप उतार सकते हो. और जो एडवेंचर्स हैं उसके लिए पहले आप लोग एडवेंचर कर लें. एडवेंचर का वी मिस्ड द एडवेंचर पार्ट एंड डेफिनेटली वी विल गो नेक्स्ट टाइम. इवन दो वी डिडंट हैड अ वेरी वंडरफुल एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ द मैनेजमेंट एंड ऑल, बिकॉज ऑफ द क्राउड, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ इंफॉर्मेशन. लेकिन इस बार हमारे पास एक्सपीरियंस हो गया है, मुझे पता चल गया है. एंड आई विश कि ये सब लोगों को पता चले ताकि जो भी प्लान कर रहे हैं वहाँ जाने के लिए उसके पहले प्रायर इन्फॉर्मेशन ले लें कि वहाँ पर जो भीड़ चल रही है वहाँ पर कितना देर वेट करना है. तो अर्ली इन द मॉर्निंग जाइए, 7 o'clock तक वहाँ पहुँच जाइए. तो इट विल बी अ गुड, इट विल बी डेफिनेटली अ गुड एक्सपीरियंस. तो वैसे भी गर्मी है, ज़्यादा लेट करना तो अब तो सही है ही नहीं. तो दिस इज़ इट. लेकिन इट्स अ लवली प्लेस, बहुत सुंदर जगह है, बहुत सुंदर मस्ट विजिट प्लेस इन बिहार.